सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल चटानी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए वृश्चिक लग्न के बारे में सुनते हैं। पहले आपने कुंडली देखी थी नंबर 9 धनु लग्न की। इसमें ये धनु लग्न है 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी ये 12वां घर हो गया। दोबारा से सुन ले इसको क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ती है बार बार। ये लग्न 9 हो गया जिसको पहला घर बोला हमने, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां। 12वें घर में हमने 8वीं राशि लिखी, ये राशियां हैं 12। दोबारा रिपीट कर लें, ये धनु लग्न की हमने आपको पिछले बार विवेचना करवाई थी। आज हमें एक नई कुंडली की विवेचना मिली है 15/9/1992 12:52 PM दोपहर के। अब इसको हमने कंप्यूटर में डाला तो हमारे पास लगन क्या आएगा हम आपको अभी बताते हैं। इसके अलावा अभी आपको एक चीज और भी सीखनी है। लगन हमारे पास, जैसे मैंने पहले बताया, ये लगन होता है जब आत्मा का देह से मिलन होता है। पूर्व क्षितिज पर जो राशि होती है उसके अनुसार से ये होता है। अब ये लगन जो एक है ये हो गया हमारा देह। इसके अलावा अब हमारे पास अभी एक ही 1, 2, 3 हमने दिखा हुआ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं। पहले घर में हमने पहली राशि डाली है जिसको लग्न हमने बोला। अब दूसरी राशि, दूसरा घर, ये दूसरा घर हो गया, अभी हमने इसमें दूसरी राशि डाली हुई है, देख लें। इससे तो हमें पता चल गया कि हमारा शरीर कैसा होगा। लगन हमारे जो गुण है, रूप है, गुण है, चरित्र है, विशेषताएं हैं, पूर्वजन के कर्मों के अनुसार से, आत्मा के संस्कार से। नंबर 2 पे पता चला धन, यानी ये हमारा मुख आ जाता है, वाणी आ जाती है, जीवा आ जाता है। यदि कोई जीवा के रोग हो तो दूसरे घर से पता चलेंगे। ये धन हो गया, परिवार हो गया। इससे यदि हमने कोई देखना हो तो हम इसको धनेश भी बोलते हैं और परिवार का घर भी बोलते हैं। मान लो पहला एक आपका शरीर का, दूसरा धन का। बस आज आप यहीं तक सीमित रहें, धीरे धीरे आपको सिखाएंगे। आज जो हमारे पास कुंडली आई है उसका लगन बैठा है 8, यानी 8वीं राशि। जब देह और आत्मा का मिलन हुआ तो पूर्व क्षितिज पर जो राशि बैठी थी वो 8वीं थी, यानी स्कॉर्पियो, वो वृश्चिक राशि थी। अब हमने यहां पर लिखा 8 जो कि लगन है। जैसे हमने इसमें 1 जो होता था 1 लिखते थे, ये लगन है। अब ये लगन हुआ 8। अब यहां पर हमने लिखना है 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 12वें घर में 7वीं राशि आ गई। ये आपको पता चल गया। ये आपको कैसे पता चलेगा, हमने ये कैसे लाई, कंप्यूटर में हमने डाला 15/9/1992 12:52 PM। स्थान हम नहीं बताएंगे, गुप्त रखेंगे थोड़ा सा, लेकिन कुंडली का कोड अक्षर है 10429। पिछली बार हमने देखी 10426 जिसका धनु लगन था। अब ये वृश्चिक 8वीं राशि जो है वृश्चिक है, स्कॉर्पियो। धनु को सेजिटेरियस बोलते हैं, इसको स्कॉर्पियो बोलते हैं। अब ये स्कॉर्पियो है, सबसे पहले हम स्कॉर्पियो के गुण आपको बताएंगे कि स्कॉर्पियो के गुण क्या होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उस आत्मा के संस्कार में जो देह में आए। उसके अलावा नंबर 2 जो मैंने आपको यहां बताया, हमारे पास अभी प्रबंध है नहीं, फैन से ये जरा उड़ रहे हैं कागज। नंबर 2 पे आया धन। नंबर 2 पे धन और परिवार हमें पता चलेगा कि हमारे पास अब इसका मालिक, जो राशि का मालिक कौन सा होता है, हम धीरे धीरे बताएंगे। ये अभी मेष राशि हुई, ये वृष राशि हुई, 12 राशियां होती हैं। मेष वृष, मेष का स्वामी वैसे मंगल होता है, वृष का स्वामी होता है शुक्र, लेकिन अब 8 का स्वामी, यानी पहले वृश्चिक राशि आई, धनु जो हमने पीछे बताई थी उसका मालिक था बृहस्पति, और उनका उसमें 8वें घर में बैठा था, 8वां घर हो गया ये, आपने उसमें क्लिप में देखा होगा। अब इसी तरह यहां पर 8वीं राशि मंगल है, इसका स्वामी देखेंगे कहां बैठा। मान लो यहां धन भाव में बैठ जाए तो खूब धन की वर्षा होगी। ये धन है, ये लगन है, ये 8, 9, 10 ये 8वीं राशि है। घर पहला है, ये पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां।
अब हम आज इतने तक ही सीमित रखें अपने आप को, धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिकल होगा हम आपको सिखाते जाएंगे, कुंडलियां जैसे आती जाएंगी हम आपको बताते जाएंगे। मैंने आपको नीचे एक लिंक दिया है, उस लिंक में जो कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं वो लिंक भर दें, फॉर्म भर दें, जितने भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं पूछें, लेकिन उसकी फीस जरूर होगी थोड़ी सी, हाँ जी, लेकिन आपकी अंतरात्मा का विवेचन कुंडली के द्वारा जब तक हमारी संतुष्टि नहीं होती किया जाएगा। अब ये इस कुंडली में देखें कि वृश्चिक के क्या करेक्टर होते हैं, आइए देखें। वृश्चिक लगन, आज हम बात करेंगे वृश्चिक लगन की। सच बात कहने से नहीं डरते हैं वृश्चिक लगन में जन्म लेने वाले। वृश्चिक लगन में जन्म लेने वाले व्यक्ति समस्याओं से घबराते नहीं है। मंगल के गुणों से पूर्ण वृश्चिक लगन एकमात्र ऐसा लगन है जहां कोई ग्रह नीच का हो तो सकता है, लेकिन ग्रह उच्च का नहीं हो सकता। वृश्चिक का अर्थ है बिच्छू। बिच्छू के गुणों की तरह वृश्चिक जातकों के अंदर भी वही गुण में दोष होते हैं। जैसे बिच्छू किसी से डरता नहीं है और क्रोधित होने पर अपने शत्रु को डंक मार देता है, ठीक उसी प्रकार वृश्चिक लगन वाला व्यक्ति किसी से डरता नहीं है, कहीं भी जाने से संकोच नहीं करता। यह बहुत स्पष्टवादी होता है। अक्सर इस लगन वाले इंसान बहुत कड़वी बातें बोलते हैं। वृश्चिक लगन वाला व्यक्ति इन्हीं का मित्र होता है, उससे बहुत प्रेम करते हैं और इन्हें अपनी और अपने करीबियों की आलोचना जरा भी बर्दाश्त नहीं होती है। ये हमेशा सावधान रहते हैं और आने वाले खतरे को भांप लेते हैं। वृश्चिक लगन वाले जातक का व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है, उसके पैर सुडोल होते हैं, चेहरा कुछ चौड़ापन लिया होता है। अगर वृश्चिक लगन वाले का नमाश भी वृश्चिक हो तो जातक की लंबाई अधिक नहीं हो पाती, जो कि इस कुंडली में नहीं है। वृश्चिक वाला बहुत सतर्क होता है, यहाँ कोई भी काम करने में अपने बचाव के साथ साथ दूसरों पर भी घात लगाकर रखता है। वाद विवाद में पक्ष विपक्ष की चिंता नहीं करता, शत्रु पर पूरी ताकत से बोलता है हमले। ये भौतिक सुखों को भोगने की इच्छा रखने वाला होता है। मंगल ठीक हो तो इस लगन में हथियार रखने का उन्हें शौक बहुत होता है। विनोद प्रिय होने के बावजूद भी विवादी प्रकृति का होता है, लेकिन झगड़ा होने पर अपनी हानि की चिंता नहीं करता, बल्कि तुरंत हिसाब किताब बराबर कर लेना ज्यादा पसंद करता है। हालांकि अपने वक्तव्य को मनवाने के लिए वह तर्क वितर्क करता है। इन जातकों को क्रोध भी बहुत जल्दी आता है और अपने क्रोध पर ये नियंत्रण नहीं रख सकते। ऐसे जातक को यदि ज्ञात भी हुआ कि वह जो करने जा रहा है उसमें विवाद की स्थितियां संभव होनी है, तब भी उस कार्य को कर डालता है। यह प्रतिशोध लेने में निपुण व तत्पर रहता है, दूसरों की कमियां निकालने में उस्ताद होता है। वृश्चिक लगन वाले अन्य लगनों पर भारी पड़ते हैं, केवल वृष लगन वाले ही इनके नैसर्गिक मित्र होते हैं। रहस्यात्मक विषयों के जानकार और ये खोजी होते हैं। वृश्चिक लगन के जातक की रहस्यात्मक विषयों के साथ साथ तंत्र मंत्र में रुचि होती है, ये खोजी स्वभाव के भी होते हैं, कई विषयों के जानकार होते हैं। इन्हें एकांत प्रिय पसंद है, भीड़ में भी ये अकेले ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे लोग कम बात करते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो किसी को मौका नहीं देते। ऐसे लोग अच्छे वक्ता होते हैं, इनकी वाणी में एक प्रकार की ओज होता है। मंगल की स्थिति जैसे यहाँ अष्टम में है, यदि अच्छी हो तो ऐसे लोग भीड़ को अपना बना रहने की ताकत भी रखते हैं। ये वृश्चिक लगन वालों को चाहिए कि अपने पति को खुश रखना चाहिए, अपने निर्णय पर दृढ़ रहते हैं। ये ग्रह स्थितियों के कारण यदि वृश्चिक लगन वाले जातक दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा वृश्चिक लगन का होने के कारण इनको प्रजनन संबंधी समस्या, नाक और कान की हड्डियां का बढ़ना और हेमोग्लोबिन जैसी समस्याएं आ सकती हैं। इनको पेशाब की समस्या, जिगर और गुर्दे के रोग भी परेशान कर सकते हैं। वृश्चिक लगन में बवासीर और अल्सर जैसे रोगों की दिक्कतें भी हो जाती हैं। शारीरिक रंग रूप वृश्चिक लगन के लिए इनके लोगों में शरीर से काफी मजबूत होते हैं और इनका कंधा काफी चौड़ा होता है, और किसी भी हालत में इनकी शारीरिक बनावट काफी अच्छी होती है और चेहरा चकोर, आंखें लुभावनी और होंठ सुंदर होते हैं। इनके बाल भूरे रंग के होते हैं और इनकी शारीरिक बनावट गंभीरता साफ झलकती है, यानी अच्छे सुदृढ़ किस्म के ये व्यक्ति होते हैं। अभी आपने वृश्चिक लगन की ज्योतिष विवेचनात्मक आपने सुनी, इससे पहले आपने धनु लगन को सुना था। अब इसके बाद हम ग्रहों के विषय में आपको बताएंगे, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके कर लें। धन्यवाद।